गाइस वेलकम बैक टू तुषारा नदर व्लॉग। तो कहाँ का है मथुरा? ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी को वो जेल से लेकर निकाल के लेकर गए थे। ये वो वाली नदी है, देखो इसके आगे का भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे साथ है, ये हमने ऑटो रिजर्व किया है। दर्शन नहीं दिया है वहाँ, किसने लीला करी थी, किसने रोने लगे, चुप नहीं हुए। तो गोपियों के पास पहुँची है यशोदा, तो दूर से दर्शन कराया। आपको 3 दिन 3 रात तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, सब जगह कृष्ण है। यहाँ बाल कृष्ण लड्डू गोपाल ऐसे आ गया, लेकिन जल्दी में इसको गोकुल बोलते, पहले इसको नंदगांव बोलते। सुनिएगा, हाँ कोई बात नहीं, जाने दो भैया। की लड़की और गोकुल की गाय, जिसका कर्म टूटे वो दूसरे गाँव। मथुरा में 24 लोगों की जो लड़की होती है उनका विवाह मथुरा के अंदर ही, और गोकुल की गाय यहाँ गाय को बेचा नहीं, चाहे वो गाय अपंग हो जाए, दूध देने लायक ना, उसको नंद महल की, यहाँ आज भी हजारों गाय है, 10 की है, उसको बेच दिया जाता है। नंद गोकुल की गाय अपने लिए, उसका फल दूसरे को नहीं मिलता, आपको ही मिलेगा। और धर्म करोगे तो उसका फल आपको ही मिलेगा, लेकिन जमीन में हिस्सेदारी होगी तो कई लोग साझेदार हो सकते हैं, लेकिन धर्म और कर्म में कोई साझेदार नहीं। ये जो आप देखिए पहला द्वार है, उसको बोलते हैं नंद द्वार। ऐसे गोकुला के अंदर कितने द्वार बने हुए? 7 द्वार। वसुदेव जी लेके आए सूप में, उसी दिन जन्मी है यहाँ योग माया। तो माया यहाँ से मथुरा पहुँची, वृंदावन पहुँची, वृंदावन में माँ कात्यायनी के नाम से जानी जाती है, और सीधा उसके बाद पहुँची विंध्यवासिनी, विंध्याचल रानी। यही योग माया है जो विंध्याचल रानी के नाम से जानी जाती है। यहाँ ब्रह्म आए, यहाँ कौन आए? स्वयं ब्रह्म। और कैसे लेके आए ठाकुर जी को? सिर पे। तो पेड़ की जड़ नीचे होती है और इंसान की जड़ ऊपर होती है, क्योंकि यहाँ क्या है? ब्रह्मांड, ये ब्रह्म है। तो कैसे लेके आए? भागवत लेके आते हैं, तो सब लोग कैसे लेके आए? सिर पे, भागवत भी सिर पे लेके आए, प्रभु को भी सिर पे लेके आए। और यमुना मैया सबसे पहली पटरानी है, उन्होंने चल स्पर्श किया है सबसे पहले। तो उनका जल कितना था? इतना। सारी नदियां मिल गई कि आज स्वयं प्रभु हरि तुम्हारे दर से निकल रहे हैं, तुम ये बढ़ाओ, तो सब लोग नदियाँ बढ़ गई। गाइस यहाँ मंदिर में हाथी आरती करता है, तो वो अब मिस कर चुके हैं। 2 सेकंड से ले लो Thank you.
हिरण के बच्चा है, हिरण है, हिरण के बच्चा है, अलग अलग दाम है, हिरण है, पशु पक्षी है सब, मोर है, आगे मोर है, बैल है, लो जी डालो 10 रुपये। हम आ गए हैं गीता धाम, वृंदावन से 7 किलोमीटर दूर है गीता धाम। वहाँ आए हैं गोकुल से निकल कर। चलो चलते हैं अंदर, पट बंद है, टाइम हो रहा है 7:15। ये है बरसाना, राधा रानी के मंदिर, धीरे धीरे सीढ़ी और क्या, राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं हम। चलो ये 200 से भी ज्यादा सीढ़ी आए, अब चलो इस पे चलते हैं ऊपर जल्दी जल्दी, फिर चलेंगे मंदिर के अंदर। ये देखो ये भी है, बाकी लोग भी है, नानी जी भी आ रही है लास्ट में, वो अंकल आंटी जो आ रहे हैं वो भी हमारे साथ है। चलो ये दिखा, चलो 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 मजे आएंगे ऊपर, बहुत मजे आने वाले हैं। ये देखो यहाँ से व्यू चेक करो, बहुत बढ़िया। ये है नंद गांव का नंद बाबा मंदिर, व्यू बढ़िया है यहाँ का, देखो पर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, आगे भी जाना है, तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं और आगे का। इस मंदिर के अंदर फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है, तो बाहर से वीडियो बना रहा हूँ मैं। हम आ चुके हैं बरसाना राधा रानी के मंदिर, देखो यहाँ पे 300 सीढ़ियाँ हैं। चलो चलते हैं और आपको मिलते हैं सीधा मंदिर में। ऊपर आ चुके हैं, देखो व्यू, इधर मंदिर है, चलते हैं मंदिर, मंदिर के अंदर चलते हैं फटाफट से, फटाफट से चलते हैं, आ जा, चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। हालत अच्छी थी, पंचर बरसाना गांव राधा रानी का मंदिर, देखो मंदिर के ऊपर ही सामान बिक रहा है, बहुत बढ़िया। Thank you.
राधा कुंड है, गोवर्धन की परिक्रमा लगाई छोटी वाली तब राधा कुंड आई। देखो मानसी कुंड है, अभी बज रहे 4:30। अब यहाँ से चलते हैं, एक बड़ी वाली परिक्रमा रह गई है गोवर्धन की, फिर वहाँ से वृंदावन जाएंगे, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं। देखो अभी और मजे आने वाले हैं आपको वीडियो में। देखना।